अवशिष्ट याचना के बाद अब आइए देखते हैं अग्रिम याचना, यानी जिसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। अंश निर्गमन के दशाओं में भी हमने देखा था कि एक दशा ऐसी बनती है जबकि कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जिन्होंने उस राशि का भी भुगतान कर दिया जो कि उनसे अभी तक मांगी नहीं गई थी। तो क्योंकि उन्होंने मांगने के पहले ही वो राशि दे दी, इसलिए वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। ऋण पत्र के दिशाओं में भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनती है। कई बार कुछ ऋण पत्रधारी उन राशियों का भुगतान भी कर देते हैं जिनकी मांग अब तक उनसे नहीं की गई थी। इस दिशाओं में अंतर नियम में अगर कोई व्यवस्था है ब्याज देने के संबंध में तो ब्याज दिया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है, और अगर नहीं है कोई व्यवस्था तो किसी प्रकार का कोई ब्याज यहाँ पर नहीं दिया जाता। अब आइए देखते हैं अति अभिदान के बारे में, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे कि हमने अंशों की दशाओं में देखा था कि कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि अति अभिदान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और बिल्कुल वैसे ही ऋण पत्रों की दशाओं में भी होता है। कई बार कंपनी जितने ऋण पत्र निर्गमित करना चाहती है उससे ज़्यादा के लिए आवेदन आ जाते हैं। अब एक ऐसी स्थिति बनती है कि डिफरेंस का जो ऋण पत्र है उसको क्या किया जाए, ऋण पत्र के डिफरेंस के जो अमाउंट है, डिफरेंस मतलब कि जितने कंपनी बेचना चाहती है और जितने के लिए आवेदन आ गए उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस के अमाउंट है उसका क्या किया जाए। तो बिल्कुल अंश पत्र की तरह इसमें भी निपटारा किया जाता है। दो कंडीशन यहाँ पे बनती है, एक सीमित कंपनी ने जनता को प्रत्येक 100 रुपए के 2000 ऋण पत्र निर्गमित किए, 20 रुपए आवेदन पर, 40 रुपए आवंटन पर, 40 रुपए प्रथम व अंतिम मांग पर दिए थे, 2500 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यह मानते हुए कि देय राशियां प्राप्त हो गई, निम्नलिखित परिस्थितियों में पंजी प्रविष्टियां दीजिए। पहला, जब 500 ऋण पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाता है और प्रार्थना पत्र की राशि वापस कर दी जाती है। दूसरा, जब 500 ऋण पत्रों की आवेदन राशि को अतिरिक्त आवंटन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रश्न में जबकि आवेदन की राशि 2500 ऋण पत्रों पर 20 रुपए प्रति ऋण पत्र के हिसाब से प्राप्त होगी तो एक ही प्रविष्टि की जाएगी जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहां हम नरेशन लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 2500 डिबेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 20 ईच। 2500 डिबेंचर है, 20 रुपीज का एक डिबेंचर है तो इसकी अमाउंट हो जाएगी 50,000। अब फर्स्ट कंडीशन, जबकि एक्सेस मनी जो है उसको रिटर्न किया जाए, यानी कि हमारे पास जो 2000 डिबेंचर थे लेकिन एप्लीकेशन जो आए वो 2500 डिबेंचर्स के लिए आए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 500 डिबेंचर जो है वो एक्सेस है, तो इसके लिए दो कंडीशन बताई गई है। पहली ये कंडीशन कि ये जो 500 डिबेंचर्स की जो अमाउंट है उसको वापस कर देते हैं, और दूसरी कंडीशन जबकि उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। तो जब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं यानी कि 500 डिबेंचर्स पर 20 रुपीज के दर से हम 10,000 को जब हम वापस करेंगे तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वापसी की जो राशि है उसको हम, क्योंकि हमने देखा एक्सेस अमाउंट को वापस करने की जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके हम उसको वापस कर देते हैं, क्योंकि वो मनी जब हमारे पास आई थी तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। और यहाँ पर हमारा नरेशन हो जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड ऑन 2000 शेयर एंड रिमेनिंग 500 शेयर रिटर्न। तो यहाँ हमारी अमाउंट हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन में 50,000, क्योंकि ओवरऑल हमको 50,000 मिला था, और टू डिबेंचर अकाउंट यानी डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में हम केवल 40,000 लिखेंगे, क्योंकि इस 50,000 में 40,000 ही हमारी एक्चुअल अमाउंट है जो एप्लीकेशन में रिसीव होगी, बाकी जो 10,000 है वो वापस हो जाएगी। तो टू बैंक अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको 10,000 रुपीज ही लिखना है। अब सेकेंड कंडीशन, जबकि 500 जो डिबेंचर है उनकी एक्सेस अमाउंट जो 10,000 है उसको हम रिटर्न ना करके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, तो इस कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे
Being application money on 2000 share is transferred to debenture account and excess adjusted to allotment. तो यहाँ पर हम डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 ही लिखेंगे क्योंकि टोटल जो है वो 2500 शेयर्स पे है और 20 रुपीज के हिसाब से वो 50,000 होता है. लेकिन डेबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में हम केवल 40,000 ही लिखेंगे क्योंकि 2000 शेयर ही हमने इशू किए थे. तो उसके हिसाब से 2000 × 2 40,000 की अमाउंट आएगी और बाकी जो इस 50,000 में 40,000 माइनस करने के बाद जो एक्सेस 10,000 की अमाउंट बचती है उसको क्योंकि हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है इसलिए टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000. अब जबकि चाहे हम 500 एक्सेस शेयर्स के अमाउंट को रिटर्न करें या अलॉटमेंट में एडजस्ट करें, जो भी हमको क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री कर देते हैं. लेकिन अब हम ये मानेंगे नेक्स्ट एंट्री करते समय कि ओवरऑल 2000 शेयर्स ही हमने अलॉट किए हैं, 2000 शेयर्स पे ही हमको फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट के जो अमाउंट है वो रिसीव होगी. तो इसके अकॉर्डिंग हम 2000 शेयर से ही सारी अमाउंटिंग करेंगे और एंट्री यहाँ पे हमारी हो जाएगी पर अलॉटमेंट के ड्यू की हो जाएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹40 पर डिबेंचर में ड्यू. तो क्योंकि 2000 डिबेंचर है, ₹40 का एक डिबेंचर अलॉटमेंट पे है तो 80,000 इसकी अमाउंट हो जाएगी. अब जबकि ये अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव और 80,000 से हम इसकी एंट्री, क्योंकि टोटल 80,000 से ये अमाउंट रिसीव होगी. अब जबकि फर्स्ट कंडीशन में जब अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं होता है अमाउंट वापस हो जाती है तो यहाँ पर अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 80,000 से हम इस एंट्री में अमाउंट की पोस्टिंग करेंगे. लेकिन सेकेंड कंडीशन जबकि एक्सेस मनी जो है उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारी जो एंट्री होगी वो सेम होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. लेकिन इसकी जो अमाउंट होगी वो 80,000 माइनस 10,000 यानी कि केवल 70,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि इस जो ड्यू अमाउंट हो रही है अलॉटमेंट की 80,000 उसमें से 10,000 ऐसा है जो कि ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा चुका है. तो यहाँ पर केवल 70,000 से हमारी एंट्री होगी और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और हमको ये ध्यान में रखना है कि अब हम आगे जो भी एंट्रीज करेंगे वो 2000 शेयर से ही कैलकुलेट करके करेंगे. तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू और 80,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे. और उसके बाद हम फर्स्ट कॉल के रिसीव की भी एंट्री करेंगे तो यहाँ रिसीव की हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ऑन 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹40 इच और 80,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे. एक तो एक्सेस के अमाउंट वापस कर दी जाए जिन्होंने आवेदन दिया है उनको, और दूसरी एक कंडीशन बनती है कि उसको आवंटन में या फिर किसी मांग में समायोजित कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए. तो जबकि इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश प्रश्न में नहीं दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, आवेदन पत्र में जो अतिरिक्त राशि है एक्सेस अमाउंट जो है एडवेंचर एप्लीकेशन के उसको हमको वापस कर देना है. ये तो थी तब की बात जबकि हमको रोकड़ के लिए ऋण पत्र निर्गमित करना हो. लेकिन एक दशा ये बनती है जब हमको रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करना होता है, यानी कि कंपनी ने कुछ ऐसी स्थायी संपत्तियों का क्रय किया है जिसका भुगतान वो नगद में ना करके ऋण पत्रों के रूप में करती है, उनके बदले में वो ऋण पत्र देती है. तो ऐसी दशा में किस किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियाँ की जाएंगी आइए देखते हैं. रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर, यहाँ पर पहली दशा में जबकि संपत्ति को उधार क्रय किया गया है एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग एसेट्स परचेस ऑन क्रेडिट. दूसरी प्रविष्टि होगी भुगतान में ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर इशू एज कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स परचेस. तीसरी दशा में भुगतान में ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन करने पर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट
being debenture issue as consideration of purchase of assets at premium. भुगतान में ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन करने पर वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर इशू इज कंसीडरेशन ऑफ परचेस ऑफ एसेट्स एट डिस्काउंट. व्यवसाय क्रय करने पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 2,25,000 की संपत्तियां क्रय की, बदले में विक्रेताओं को प्रत्येक को 100 रुपए वाले ऋण पत्र निर्गमित किए. कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए जब पहला ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए गए हों, दूसरा ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए हों, तीसरा ऋण पत्र 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हों. पहली कंडीशन, जबकि जब कंपनी संपत्ति खरीदेगी तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. ये नॉर्मल एंट्री होगी, सभी कंडीशन में फॉलो होगी. तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 2,50,000 की संपत्ति क्रय की गई थी उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बींग सन्ड्री एसेट्स परचेस. अब ये जो एसेट्स परचेस की गई है 2,25,000 की, इसकी जो पेमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा कंसिडरेशन है वो अदर देन कैश है, कैश हमको यहाँ पर नहीं देना है, कुछ अतिरिक्त जो रोकड़ के अतिरिक्त जो अन्य प्रतिफल है उसके आधार पर हमको यहाँ पे पेमेंट करना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें ये बताया गया है कि इस 2,25,000 के बदले में कुछ डेबेंचर यानी कि ऋण पत्र इशू किए जाएंगे और वो भी एट पार यानी कि सम मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे. तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में जबकि 2,25,000 के डेबेंचर इशू किए जाए सम मूल्य पर तो क्या जनरल एंट्री होगी. तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री हो जाएगी तो यहाँ पर क्योंकि हम वेंडर यानी जिससे हमने परचेस किया है उसको हम डेबेंचर पे कर रहे हैं तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर अकाउंट. सिंपल एंट्री होगी, वेंडर को हमने पेमेंट किया वेंडर अकाउंट डेबिट और डेबेंचर से पे किया हमने तो टू डिबेंचर अकाउंट. 2,25,000 से हम इसकी एंट्री कर लेंगे और नरेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग 2,250 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट पार अगेंस्ट कंसीडरेशन फॉर एसेट्स. टोटल अगर हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स तो उसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया गया है कि एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज का है. तो इसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा लेंगे कि अगर हमको 2,25,000 पेमेंट करना है तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे. तो यहाँ पर हम 2,25,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज का है तो हमको मिल जाएगा 2,250 डिबेंचर हमको यहाँ पर इशू करने होंगे. सेकेंड कंडीशन, जबकि 2,25,000 की पेमेंट हमको डिस्काउंट पे करनी है और 10% डिस्काउंट पे करनी है. तो इस कंडीशन में हमने जैसे कि पहले भी देखा कि डिस्काउंट पर जब हम इशू करते हैं डिबेंचर्स तो यहाँ पर हमारी जो जनरल एंट्री होती है बिल्कुल वही जनरल एंट्री हमको यहाँ पर करनी है क्योंकि गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग भी अगर हम जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा डिस्काउंट अकाउंट होता है वो डेबिट होता है क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सपेंस है और यहाँ पर हम पे किसको कर रहे हैं, वेंडर को कर रहे हैं, वो पाने वाला है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे. तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. अब सीधी सिंपल सा यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है. यहाँ पर क्योंकि हमको 2,25,000 पेमेंट करना है और 10% डिस्काउंट पे करना है तो ये 100 रुपीज का जो शेयर है अब वो 100 का नहीं रह गया क्योंकि अगर हम 100 पे 10% डिस्काउंट दे देते हैं तो 100 का 10% 10 रुपीज होता है और डिस्काउंट यानी कि हमको उसमें से लेस करना है, माइनस करना है. तो 100 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो एक जो शेयर है वो 90 रुपीज का हो जाता है. अब 90 रुपीज का शेयर 2,25,000 के लिए अगर हम नंबर ऑफ डिबेंचर की कैलकुलेशन करें तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 90 यानी कि 2,500 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं. अब हमको जो कैलकुलेशन करनी है ये मान के करनी है कि हमें 2,500 शेयर अब हमको जो कैलकुलेशन करनी है वो ये मान के करनी है
कि हमने 2500 डिबेंचर इशू किए। इसके अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट होगा हमारा 2500 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 25,000। तो क्योंकि वेंडर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं 2,25,000 तो ये वेंडर अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। 25,000 जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा और टोटल जो अमाउंट है 2,50,000 की 2500 डिबेंचर 100 रुपीज इंच के हिसाब से तो 2 डिबेंचर अकाउंट यानी कि डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2,50,000 हम लिखेंगे और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 2500 डिबेंचर इशू एट 10% डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज इच एज पेमेंट कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स परचेस। थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो हमको ये बताती है कि हमको यहाँ पर ये जो 2,25,000 की एसेट्स हमने परचेस की है उसकी जो पेमेंट है उसको हमको प्रीमियम पे करना है तो क्योंकि प्रीमियम एक इनकम है हमारे लिए हमने पहले भी देखा तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट और टोटल 2,25,000 का हमने यहाँ पर पेमेंट किया है। अब क्योंकि एक जो शेयर है वो 100 रुपीज का है अब इसमें 20% हमको प्रीमियम देना है तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपीज 100 में जब हम इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि प्रीमियम है तो ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 120। अब हम ये मानेंगे कि 2,25,000 हमको पे करना है एक जो शेयर है वो 120 रुपीज का है तो जब हम 2,25,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि एक्चुअल हमने यहाँ पर 1,875 डिबेंचर ही इशू की और जब हम 1,875 डिबेंचर 100 रुपीस इच पे इशू करेंगे तो यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो अमाउंट आएगी वो हो जाएगी 1,87,500 और वेंडर को पेमेंट करना था 2,25,000 तो वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 2,25,000। अब क्योंकि डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में आया है 1,87,500 तो बैलेंस जो बचता है वो प्रीमियम है ये हम मान लेंगे। इस तरह से भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें प्रीमियम को तो ये अमाउंट जो है वो हो जाएगी 37,500 और अगर हम चाहें कि हम इस अमाउंट को नंबर ऑफ डिबेंचर और 20 रुपीस इच के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो भी ये अमाउंट आएगी 37,500। नरेश एंड कंपनी ने 1,41,000 में एक भवन खरीदा। क्रय मूल्य के प्रतिफल स्वरूप उसने 100 रुपए वाले 15% ऋण पत्र 6% बट्टे पर निर्गमित किए। आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। यहाँ क्योंकि 1,41,000 में भवन खरीदा गया है तो पहली एंट्री जो भवन खरीदने की होगी वो सिंपल एंट्री होगी क्योंकि भवन एक बिल्डिंग एक संपत्ति है तो संपत्ति को हम डेबिट करते हैं तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट क्योंकि अभी फिलहाल ये क्रेडिट परचेस है अब हम इसकी पेमेंट करेंगे और अमाउंट हो जाएगी यहाँ पर हमारे 1,41,000। अब जबकि हम यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करेंगे इस 1,41,000 के लिए और ये भी हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 6% डिस्काउंट था तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट 15% डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट और यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल जो डिबेंचर की अमाउंट है एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज का है और क्योंकि 100 पे अगर हम 6% डिस्काउंट लगा देते हैं तो यहाँ पर ये 6 रुपीज जो है वो डिस्काउंट आ जाता है यानी हम ये मानेंगे कि ये जो शेयर इशू हुआ है वो 94 रुपीज यानी 100 - 6 यानी 94 रुपीज पे इशू हुआ है और 1,41,000 को जब हम 94 से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर जो हमारे आ जाते हैं वो हो जाता है और जब 1,41,000 को हम 94 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर जो आते हैं वो 1,500 हो जाते हैं तो हम ये मान लेंगे कि 1,500 शेयर 100 रुपीज का एक शेयर यानी कि 15% डिबेंचर अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है वो टोटल आ जाएगा 1,50,000 और वेंडर्स को हमने पेमेंट करना है 1,41,000 तो डिफरेंस के जो अमाउंट है वो 9,000 है या हम इसको इस तरह से देखें कि 1,500 जो शेयर है उस पर 6 रुपीज अगर डिस्काउंट दिया जाए तो डिस्काउंट के जो अमाउंट आएगी 1,500 × 6 9,000 आएगी।
इसी तरह ऋण पत्रों के निर्गमन की तीसरी जो दशा बनती है वो है ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति की तरह निर्गमित करना। किस तरह से ये दशाएं होती है इस पर एक नज़र डालें। जब बैंक से कंपनी ऋण लेती है तो वो जो ऋण पत्र होते हैं उनको वो जमानत के रूप में यानी कि प्रतिभूति के रूप में उनके पास बैंक के पास रख देती है। अब जबकि कंपनी देय तिथि तक अगर ऋण चुकाने में असमर्थ होती है तो बैंक उस वो जो ऋण पत्र जमानत के तौर पर रखे गए होते हैं उनको वो ले लेता है, उस पर अपना अधिकार कर लेता है। और लेकिन एक कंडीशन ये, जबकि कंपनी नियत समय पर ऋण चुका देती है तो कंपनी उन ऋण पत्रों को जो कि उसने प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास रखे थे वापस प्राप्त कर लेती है। तो ये जो दशा होती है यहाँ पर कंपनी जो है वो दो प्रकार से अपनी पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करती है। कौन कौन से हैं वो दो प्रकार और दोनों ही कंडीशन में किस प्रकार से जनरल एंट्री की जाती है, आइए देखते हैं। पटेल एंड कंपनी ने बैंक से 10,000 रुपए का ऋण लिया और बैंक को सहायक प्रतिभूतियों के रूप में 150 ऋण पत्र 100 रुपए वाले बैंक के पास जमा करा दिए। इस मत को आप चिट्ठी में कैसे दर्शाएंगे? यहां पर क्योंकि हमने बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट देखा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको जो लाइबिलिटीज रहती हैं और एसेट्स रहती हैं उसकी एंट्री यहाँ पर हमको करनी होती है। और ये जो लाइबिलिटीज रहती हैं उसके अंदर बहुत सारे करेंट, नॉन करेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज रहती है सबको हमको उसके अंदर इंक्लूड करना रहता है। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में हमको सिर्फ एक बैंक लोन दिख रहा है जो कि लॉन्ग टर्म एक बोरो हम उसको मान सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपने पर्टिकुलर कॉलम में केवल इसका एक ब्योरा जो होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में यहाँ पर हम कुछ ना लिखकर लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है उसको लिखेंगे। और इसमें जो नोट कॉलम है, जैसे कि हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखा कि जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाते हैं उनको हम क्रम के आधार पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिखते जाते हैं, तो फर्स्ट नंबर हम डालेंगे और 10,000 लिखकर हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सेकेंड हम देख रहे हैं कि ये जो 10,000 है ये कैश के इक्विवेलेंट ये कहलाता है, तो यहाँ पर हम एसेट्स में लिखेंगे, एसेट्स हम लिखेंगे, फिर करंट एसेट्स हम इसकी एंट्री करेंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम इसे ही जो कि हमने बोरो किया है, ऋण लिया है, तो वो हमारे पास कैश के रूप में आता है। नॉर्मली जब हम एंट्री करते हैं ऋण लेने की तो वो हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन इस तरह से हम एंट्री करते हैं, तो वास्तव में ये कैश आया हमारे पास तो उसकी हम एंट्री यहाँ पर 10,000 से कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट करेंगे, नोट नंबर सेकंड डालेंगे और 10,000 लिखकर हम इसको क्लोज करेंगे। अब जबकि हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर बनाएंगे तो हम यहाँ पर एक्चुअली हमको वो ब्योरा देना रहता है जो कि हमने बैलेंस शीट में जो प्रविष्टियाँ की है उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पर हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर डालेंगे। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में केवल एक ही पॉइंट क्योंकि प्रश्न में दिया गया है वो है बैंक लोन, तो बैंक लोन की हम इसकी एंट्री करेंगे और यही जो बैंक लोन है कैश के रूप में वो हमको रिसीव हुआ है तो इक्विवेलेंट कैश है ये, तो कैश एट बैंक लिख के 10,000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये तो था फर्स्ट मेथड जो हमने बैलेंस शीट में देखा। अब सेकंड मेथड जो हमने देखा बैलेंस शीट से, अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाते हैं तो लगभग वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी हम जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है वहां पर हम दर्शाएंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी और इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है उसको हम फर्स्ट नंबर डाल के करेंट ईयर का जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग हम 10,000 लिख कर इसको क्लोज कर देंगे। और उसके बाद फिर एसेट्स हम यहाँ पर लिखेंगे और करंट एसेट्स की इक्विवेलेंट कैश की इक्विवेलेंट है ये, तो सेकंड नंबर डालकर हम 10,000 लिखकर इसको क्लोज कर देंगे। इसमें जब हमको जो भी अकाउंट्स बने हैं उसका अगर नोट्स लिखना है तो थोड़ा सा हम चेंजेस लाएंगे। जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था कि फर्स्ट इसका जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो ये बैंक लोन है और बैंक लोन जो है वो डिबेंचर से पेमेंट है, तो यहाँ पर हम डिबेंचर लिखेंगे 15,000 के। और क्योंकि हमने प्रश्न में देखा कि सहायक प्रतिभूति के रूप में 150 ऋण पत्र 100 रुपए वाले बैंक के पास हमने जमा किए हैं, गारंटी के रूप में हमने जमा किए हैं 150 जो है नंबर ऑफ डिबेंचर है और एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज का है, तो क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने यहाँ पे देखा कि हमने 10,000 से इसकी एंट्री की है उस समय बैंक लोन को हमने निल किया है क्योंकि इसकी हम पेमेंट डिबेंचर से कर रहे हैं,
तो 15,000 ये डिबेंचर है और इसमें हम सस्पेंसेस जो डिबेंचर है उसको लेस करेंगे और उसके बाद तो ये नील हो जाएगा, और उसके बाद जब हम सेकेंड पॉइंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंगे तो वो 10,000 जैसे कि हमने पहले उसकी प्रविष्टि की थी बिल्कुल वैसे ही कैश एट बैंक में हम 10,000 की प्रविष्टि करेंगे। आइए एक नजर डालें ऋण पत्रों पर ब्याज के संबंध में कि किस तरह से ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो एक सबसे पहली बात यह है कि ऋण पत्रों पर लाभ कंपनी को होने वाले लाभ के कारण मिलता है, जाहिर सी बात है। अब साधारणतः ये जो भुगतान होता है ब्याज का वो अर्धवार्षिक अवधि के आधार पर दिया जाता है प्रत्येक छमाही में, और इसकी जो गणना होती है वो ब्याज की जो नियत दर होती है उसके आधार पर की जाती है। ये अंकित मूल्य या निर्गमित मूल्य से इसका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है। तो आइए इस कंडीशन में किस किस तरह से जनरल प्रविष्टि की जाती है उस पर एक नज़र डालें। ऋण पत्रों पर ब्याज की दशा में ब्याज के देय होने पर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू फॉर मंथ। दूसरी दशा में ब्याज का भुगतान करने पर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट ऋण पत्र धारकों का खाता डेबिट बैंक खाता से। तीसरी दशा में आयकर का भुगतान करने पर इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आयकर खाता दे आयकर खाता डेबिट बैंक खाता से। चौथी दशा में ऋण पत्र ब्याज खाते को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट यानी लाभ हानि खाता डेबिट ऋण पत्र ब्याज खाते से। ऋण पत्रों के शोधन के बारे में हमने जाना था, आइए देखते हैं कि जब ऋण पत्रों का शोधन होता है तो कौन कौन सी शर्तें होती है, कौन कौन सी दशाएं वहां पर होती हैं जबकि ऋण पत्रों का शोधन होता है। तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्रों के जो शोधन की शर्तें होती हैं वो उसके निर्गमन के समय जब उनको इशू किया जाता है तभी निश्चित कर दी जाती है कि किस प्रकार से इनका शोधन होगा, कंपनी के जीवन काल में होगा या कंपनी के समापन के बाद ही होगा। इस तरह की जो शर्तें हैं वो शोधन के समय ही निश्चित कर दी जानी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही इनका निर्गमन जिस प्रकार से अंशों का निर्गमन होता है सब मूल्य पर प्रीमियम पर या बट्टे पर, वैसे ही इनका शोधन भी सब मूल्य पर हो सकता है, बट्टे पर शोधन हो सकता है और प्रीमियम पर शोधन हो सकता है। तो ये शोधन संबंधी कुछ नियम है। ऐसे जो परिस्थितियाँ बनती है व्यवहारिक रूप से 5 ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं और किस किस से तरह से उनका निपटारा किया जाता है आइए इस पर एक नजर डालें। शोधन के शर्तों एवं दशाओं के विचार से ऋण पत्रों के निर्गमन का लेखांकन करने पर निर्गमन की शर्तें हैं। पहला सम मूल्य पर निर्गमन, इसके अंतर्गत शोधन या प्रतिपादन की शर्त है सम मूल्य पर शोधन। दूसरा प्रीमियम पर निर्गमन और शोधन या प्रतिदान की शर्तें हैं सम मूल्य पर शोधन। तीसरा बट्टे पर निर्गमन की दशा में शोधन या प्रतिदान की शर्त सम मूल्य पर शोधन। सम मूल्य पर निर्गमन की दशा में शोधन या प्रतिदान की शर्तें प्रीमियम पर शोधन और बट्टे पर निर्गमन की दशा में शोधन या प्रतिदान की शर्तें प्रीमियम पर शोधन। ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में जबकि सम मूल्य पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर शोधन किया गया हो प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तीसरी एंट्री जो कि रिडेम्पशन की होगी वो होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर पेमेंट की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रीमियम पर यदि निर्गमित और सम मूल्य पर शोधन किया जाता है तो यहाँ फर्स्ट एंट्री होगी इशू की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तीसरी एंट्री रिडेम्पशन की होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। चौथी एंट्री पेमेंट की होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट्टे पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर शोधन की दशा में इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तीसरी एंट्री होगी रिडेम्पशन की डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और चौथी एंट्री होगी पेमेंट की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
चौथी दशा में जबकि ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन एवं प्रीमियम पर शोधन किया गया है। पहली एंट्री इशू की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तीसरी कंडीशन में जबकि ऋण पत्रों का प्रीमियम पर भुगतान करने के कारण हानि की रकम समायोजित की जाती है, यह हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। चौथी दशा में जबकि रिडेम्पशन की एंट्री करनी होगी तो यहाँ एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और अगली एंट्री यहाँ पर पेमेंट की होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पांचवी दशा में जबकि बट्टे पर निर्गमन किया जाए और प्रीमियम पर शोधन किया जाए, यहाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तीसरी दशा में जबकि रिडेम्पशन की एंट्री की जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और इसके अंतर्गत चौथी एंट्री की जाएगी एंट्री फॉर पेमेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि की दशा में अपलेखन करने पर बट्टे से हानि को प्रतिवर्ष आगम लाभों में से निम्न पंजी यानी कि जनरल प्रविष्टि के द्वारा अपलेखित कर दिया जाता है। और इसके लिए हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और नरेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। लाभ हानि खाता डेबिट ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा हानि खाता से और ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा यह हानि हुई।